बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि यूके के जो ट्रैवलर हैं तो उनके लिए कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, तो इस वीडियो में उसके बारे में बात होने जा रही है। क्योंकि ये बड़ी मज़े की एक गेम चल रही है पूरी दुनिया में भी, कि वो आपका जो कहते हैं कि COVID-19 का जो रेशो चेक करते हैं, उस रेशो के बाद हर 15 दिन के बाद डिसीजन लेते हैं या हर 21 दिन के बाद डिसीजन लेते हैं। तो इसी तरह आप यूके को एक कंट्री ने उनका ट्रैवल बैन कर दिया, तो उस बारे में इस वीडियो में जिक्र होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहना चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आए दिन आप यूके की जो है अमरनाथ और ग्रीन लिस्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि कब जाकर ये अपडेट होगी, कब जाकर जो है हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो ग्रीन लिस्ट में डाले जाएंगे। लेकिन सेम इसी तरह का दूसरे ममालिक हैं वो भी ऐसा ही करते हैं कि वो भी चेक करते रहते हैं कि कब कौन सा कंट्री क्या रेशो चल रही COVID-19 की, तो उसके बाद उसको भी वो उनके बनाई हुई जो लिस्ट होती है उसके अंदर उसको जो है वो पुट कर देते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लास्ट फ्लाइट यानी कि कल के दिन जो है दुबई वालों ने एक अनाउंसमेंट की है, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि पहले जो यूके था वो ग्रीन लिस्ट के अंदर था, दुबई की यूएई की। यूके से ट्रैवल आराम से दुबई में जा सकते थे, घूम फिर सकते थे, ट्रैवल डेस्टिनेशन था, वहाँ पर इंजॉय कर सकते थे। बट उन्होंने इस दफ़ा क्या किया है, जब उन्होंने अपनी लिस्ट को अपडेट किया है तो उन्होंने यूके को ग्रीन लिस्ट से निकाल दिया है, माल्टा को इंटर कर दिया, इसी तरह अजरबैजान उज़्बेकिस्तान को भी वहाँ से निकाल दिया है। तो ये गेम इस तरह चलती रहती है, कभी शिफ्टिंग होती रहती है, कभी पुट कर दिया, कभी निकाल दिया, कभी ढाल दिया वाला सिस्टम चल रहा है। तो अब देखें कि क्या बनता है। तो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि यूके से जो भी अब दुबई की तरफ आ रहे थे तो फ़िलहाल वो ज़रा ठंडी सांस लें, तो वो ग्रीन लिस्ट में नहीं है, उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा या जो भी स्पेसिफिक उनके रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो वैसे ही नहीं, जिन जिन लोगों ने भी अभी टिकट्स वगैरह करवाई हुई थी तो वो नज़रसानी कर लें अपनी टिकट्स को, एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लें। तो ये लेटेस्ट अपडेट थे कि यूके से जो ट्रैवल हैं वो दुबई की तरफ फ़िलहाल नहीं जा सके। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।